एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले देखिए, आज हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज चल रही हैं, उसके बाद हम इमीडिएट एक्शन देखेंगे और डाइस से भी हम मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की एनर्जीज डाइस से निकल कर आती हैं, कौन सी राशियाँ, कौन से प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है कलेक्टिवली, और कौन से लकी नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी। वी हैव जजमेंट विद टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। सो कलेक्टिव एनर्जी जो यहाँ निकल कर आई है वो है सिक्स ऑफ कप्स की। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है आपकी तरफ, पैशनेट है, रोमांटिक एनर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आने वाले समय में आपके पर्सन की तरफ से कोई इम्पॉर्टेंट जेस्चर रिसीव हो सकता है, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। एनर्जी की बात करें तो इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा, आप कहते हैं ना, रोमांटिक कन्वर्सेशंस होना, आगे का फ्यूचर डिसाइड होना, फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड एनर्जीज़ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग बहुत सॉलिड है यहाँ पर। वी हैव टेन ऑफ कप्स, तो आपके साथ शादी होना, आपके साथ कंप्लीशन। अगर आप मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपके साथ यूनाइट होने के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इमोशंस आज के दिन में इनके काफ़ी हाई हैं, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो धीरे धीरे करके इन्होंने अपने इमोशंस को इकट्ठा किया है और अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पर्सन का बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ये चीज़ें हैं। हाँ, इनके ऊपर बर्डन ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसे बर्डन हैं, ऐसे हालात हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं, या कुछ मजबूरी है जिसके चलते ये इतनी एनर्जी पॉजिटिव होने के बावजूद आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पर्सन प्लान करें और आपको किसी न किसी तरह का क्लैरिटी दें इस रिश्ते से रिलेटेड। आपको अगर कुछ डाउट्स हैं कि मेरा पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, आगे चल के शादी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्लैरिटी आपको आपके पर्सन देने वाली हैं या देने वाले हैं। इनको ये जजमेंट लेना है और बहुत जल्द लेना है। ये सिचुएशंस यहाँ पर निकल कर आई हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके कोई एक्स पार्टनर भी रिटर्न आ सकती हैं या रिटर्न आ सकते हैं। मे बी उनके साथ आपका रिश्ता अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है, बट वो फिर भी आपकी तरफ रिटर्न आ जाएं, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, इमीडिएट एक्शन देते हैं और फिर हम देखेंगे डाइस से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है।
ब्लॉकेजेस काफ़ी हद तक हील हो रहे हैं आपके पर्सन के और आपके। वी हैव डबल एसेस विद सेलिब्रेशन कार्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए इमीडिएट एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में इमोशनल गैप है, मतलब आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा इम्पैथ हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप इनकी एनर्जीज़ को पिक कर ले रहे हैं, इनकी सेंसिटिव नेचर को आप पिक कर ले रहे हैं कि ये इस समय दुखी हैं या ये इस समय हैप्पी हैं, तो यहाँ अगर आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड इतना स्ट्रांग है तो उसके पीछे मून की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके मन में आपके पर्सन बसे हैं और उनके मन में आप बसे हो। आप दोनों की जो मेंटल पीस है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। यहाँ पर देखिए हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और सैक्रल चक्र की एनर्जी है। इसका मतलब कि ज़्यादातर लोगों के व्यूअर्स जो भी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन यहाँ पर इन चक्रास को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो सैक्रल चक्र आप दोनों के बीच में जो इंटीमेसी है, प्लेजर है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे की लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, उसको दर्शा रहा है। साथ ही साथ थ्रोट चक्र कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स जो नो कॉन्टैक्ट में हैं ब्लॉकेजेस के कारण, बहुत सारे व्यूवर्स होप रख सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। प्लस हार्ट चक्र अगर ब्लॉक था बहुत टाइम से, अगर आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपने इमोशनल साइड आपके सामने नहीं दिखा रहे थे या कॉन्फिडेंस नहीं था इस रिश्ते में स्टैंड लेने का, तो ये चीज़ें हील हो रही हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ें हील होंगी, हील इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ होप आया हुआ है, तो डेफिनेटली होप है कि आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। और साथ में जो बाकी कार्ड्स हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। वी हैव डबल एसेस विद सेलिब्रेशन, तो यहाँ एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे आपको कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्हें मैसेजेस रिसीव होंगे, कॉल्स रिसीव होंगे, आपके पर्सन आपसे मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, कुछ सेलिब्रेट करने की एनर्जी है। अगर आपका या इनका किसी का बर्थडे है या किसी दोस्त का बर्थडे है या कोई सेरेमनी है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 1। ये जो एनर्जी है ये 24 आवर्स की एनर्जी है, 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये 30 घंटे तक जा सकती है। ठीक है, इस दौरान आपको पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है और क्लेम करें इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को, होप रखें। देखते हैं डाइस से क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी राशि सेजिटेरियस है, आपका लग्न या आपकी राशि अगर सेजिटेरियस है या कैप्रिकॉन है या स्कॉर्पियो है या लिब्रा है, ठीक है, या वर्गो है, ठीक है, तो आपके लिए आने वाला टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी दशा चल रही है इस वक्त राहु केतु की, या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सूर्य की दशा अगर आपकी चल रही है, इसके अलावा मरकरी की अगर आपकी दशा है, वीनस की अगर आपकी दशा है, ठीक है, तो भी ये चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती हैं जो अभी निकल कर आई हैं एक्शन में। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ अगर 9 है, 2 है, 11 है, 10 है, 1 है, तो भी ये एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली टू अदर्स आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं और स्टबर्न हैं। अगर उनके माइंड में ये चीज़ें बैठ गई कि हाँ मुझे इस चीज़ को अचीव करना है और इतने टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना है, तो वो उस डेडलाइन के अंदर अपनी जो भी ज़िद्द है उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड रखते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जिसमें आपके पर्सन ओवर बिजी हैं।
कुछ लोगों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि मंगल दोष है, मांगलिक हो सकते हैं, या तो आप या आपके पर्सन, जिसकी वजह से सिचुएशंस बहुत ख़राब हैं, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली अग्री नहीं कर रही है इस रिश्ते के लिए और चीज़ें एक जगह पर जाकर रुकी हुई हैं, ठीक है। कुंडली नहीं मिल रही या मांगलिक दोष निकल कर आ गया है, ठीक है, या कोई दोष ऐसा निकल कर आया है जैसे काल सर्प हो गया बिकॉज यहाँ राहु केतु की एनर्जी है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो डिस्टर्ब हैं या आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इस तरीके की आपकी एनर्जी है, इस तरह की दशा या इस तरह का आपकी राशि या ये नंबर अगर आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो जो भी मैंने अभी बताया ये चीज़ें 30 घंटे के अंदर आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेंगी कंपैरेटिवली टू अदर्स, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए आज के दिन में, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉलो द साइंस, विजुअलाइजेशन, ड्रीम्स, डिवाइन इंटरवेंशन। आपके लिए जो मैसेजेस निकल कर आए हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें ड्रीम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है या मिल रही है। हो सकता है आपके ड्रीम्स बहुत अनयूजुअल हों, जो बहुत विविड हों, बहुत इंटेंस हों, आपको बहुत ऐसे टाइप के ड्रीम्स आ रहे हों जिस ड्रीम्स को देखने के बाद विद इन आप कह सकते हैं 7 days के अंदर वो चीज़ें सच में बदल जा रही हों, रियलिटीज़ में कन्वर्ट होते हुए आप देख रहे हों। तो अगर आपको इस तरह के साइंस या ड्रीम्स मिल रहे हैं या फॉलो द साइंस का कार्ड है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे क्लूज दिए जा रहे हैं एंजल्स के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, आपके ईस्ट के द्वारा, जिसको फॉलो करके आपका पाथ आगे का क्लियर हो रहा है। तो ये साइंस आपको कैसे मिलेंगे इस पे मैंने कई बार डिस्कशन किया है। बहुत ज़्यादा लोगों को स्काई में बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल जाते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर स्काई में इंडिकेशन मिल जाती है, आँखों से डायरेक्टली भी मुझे मैसेजेस मिल जाते हैं, मैं कई बार वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, पहले नहीं करती थी, बहुत सारे साइंस मिलते थे बट मैंने कभी वीडियोस डाले नहीं, बट अब काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आपको जो चैनलिंग होती है, जो साइंस होते हैं, अगर आप वीडियोस डालेंगे तो हम भी देख पाएंगे, तो इसलिए मैं काफ़ी बार अब वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि जब मुझे कोई साइन मिलता है स्काई में तो मैं उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए लोड कर देती हूँ। तो मेरी मिस्टिकल जो सीरीज़ है उसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैं लोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो वैसे टाइप के साइंस आपको मिल सकते हैं, उस साइंस को डिकोड करने आना चाहिए कि आने वाले समय में वो चीज़ें क्या इफ़ेक्ट डालेंगी। ड्रीम्स बहुत सारे लोगों को आ सकती हैं, ड्रीम्स में बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस दिया जा सकता है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे ही कोई आप ड्रीम देखते हैं, आप गूगल करते हैं या यूट्यूब करते हैं, हर जगह एक ही चीज़ें होती हैं कि धन का लाभ होने वाला है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो ज़्यादातर सिमिलर चीज़ें ही सब ड्रीम्स में बता देते हैं। तो ड्रीम्स को सही तरीके से डिकोड करना भी एक कला है, तो ये भी आपके अंदर आनी चाहिए, या फिर आप किसी ऐसे गाइड की हेल्प ले सकते हैं जिससे कि आपके वो ड्रीम्स डिकोड हो सकें, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर विजुअलाइजेशन का मैसेज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विजुअलाइज़ करते हैं डेली अपनी लाइफ में, जो भी चेंजेस चाहते हैं वो डेली विजुअलाइज़ करते हैं, और आने वाले समय में ये जो मैसेजेस हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू यूनिवर्स तक सेंड होती है और यूनिवर्स उन मैसेजेस को लेकर आपको उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं। तो कई लोग होते हैं जो अच्छा इमेजिन करते हैं, कई लोग होते हैं जो दिन भर अपनी किस्मत पर रोते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो किस्मत पर रोते हैं, मेरा नसीब ख़राब है, मेरे पर्सन नहीं आएंगे, सबके आ गए बट मेरे नहीं आएंगे, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है, ये सब झूठ है, बकवास है, व्हाटएवर, ठीक है। तो जब आपके माइंडसेट में ये चीज़ें भरी हुई हैं तो सबकॉन्शियस माइंड डिलीवर क्या कर रहा है यूनिवर्स को कि ये झूठ है, ये बकवास है, ये चीज़ें नहीं होंगी, मेरे पर्सन किसी और के साथ हैं, मेरे पर्सन खुश हैं किसी और के साथ। तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने यूनिवर्स को भेजी हैं।
ठीक है, बिकॉज पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी. कई बार आप देखोगे कोई गरीब इंसान है बट वो इतना खुश है, इतना स्माइलिंग उसका फेस है कि उसकी ज़िंदगी सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है. ठीक है, बदल जाती है किस्मत. बहुत सारे लोगों की ऐसी आप जीवनी पढ़ सकते हैं कि वो बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल. अब अपने प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, जिनकी माता काम करती थी और कितनी मुश्किल हालातों में उनको पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया, और उसके बाद वो आज पीएम पद पर बैठे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें क्या इंसान का मोटिवेशन है, इंसान जो विजुअलाइज करता है उसको अपने लाइफ में क्रिएट करता है. देन वी हैव डिवाइन इंटरवेंशन. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में सडनली एक मिरेकल होने वाला है, एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, जिसके बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मैसिव शिफ्ट, एक चेंज जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है आपने बिल्कुल उम्मीद ना की हो और सडनली आपकी लाइफ में वो शिफ्ट आपके साथ हो जाए. तो ये एनर्जीज़ हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि विजुअलाइज़ करो, वो इमेजिन करो जो आप चाहते हो अपने लाइफ में क्रिएट करना. तो ये थी गाइज आज की रीडिंग. होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी. वीडियो पसंद आई हो लाइक करें. चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय.